हेलो एवरीवन, दिस इज मनीषा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल्स। सो लेकर आई हूँ आप सभी के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त जॉब अपडेट, जो कि डायरेक्टली निकल के आ रही है दिल्ली पुलिस की तरफ से। तो फ्रेंड्स, आप सभी के लिए एक बड़ी खुशखबरी निकल के आ रही है उन लाखों स्टूडेंट्स के लिए जो दिल्ली पुलिस कॉन्स्टेबल का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। उनके लिए ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी होने वाली है। सो SSC ने ऑफिशियल कैलेंडर जारी करके ये बता दिया है कि ये फॉर्म कब आपको अप्लाई करना है, वैकेंसी कब आ रही है, डेट क्लियर कर दिया गया है, एग्ज़ाम का डेट भी अनाउंस कर दिया गया है। फुल डिटेल्स बताऊंगी स्टेप बाय स्टेप, कितनी वैकेंसी है, कैटेगरी वाइज कितनी वैकेंसी है, जनरल, OBC, SC ST, मेल और फीमेल कैटेगरी के लिए कितनी सीट्स है, सारा कुछ क्लियर कर दिया गया है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और फुल डिटेल्स में बताते हैं कि आपका इम्पॉर्टेंट डेट क्या होने वाला है, क्वालिफिकेशन की क्या रिक्वायरमेंट है, कितना नंबर ऑफ सीट्स होने वाला है, सिलेबस क्या रहेगा, एग्ज़ाम की पैटर्न क्या होने वाली है। सो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इम्पॉर्टेंट डेट की, कि हमारा जो फॉर्म है वो अप्लाई होना स्टार्ट कब से होगा। सो ये जो आपको स्टार्ट होने वाला है वो आपका 1 सितंबर 2023 से स्टार्ट होने वाला है, और आपको लास्ट डेट जो SSC ने ऑफिशियली अनाउंस किया है वो रहेगा आपका 30 सितंबर 2023 रहने वाला है। सो टेक्निकली देखा जाए तो आपको इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए पूरे 30 डेज का टाइम दिया जाएगा IO की तरफ से। और हाँ फ्रेंड्स, आपके मन में एक क्वेश्चन भी आ रहा होगा कि जब ये फॉर्म अप्लाई होना सितंबर में स्टार्ट होगा तो मैं आपको अभी क्यों बता रही हूँ कि ये फॉर्म आने वाला है। सो एक इसमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ ये रहेगा कि जो भी एस्पिरेंट्स है, मेल कैंडिडेट है, अगर वो दिल्ली पुलिस कॉन्स्टेबल की फॉर्म अप्लाई करना चाहते तो उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना एकदम अनिवार्य है। आपको तो पता है फ्रेंड्स कि ड्राइविंग लाइसेंस बनने में भी काफ़ी सारा टाइम लगता है, और यहाँ पर ये कंपलसरी है। आपको ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अभी से ही अप्लाई कर देना चाहिए। अगर आप सीरियस हो, इस जॉब को आप करना चाहते हो, तो आप अप्लाई कर दो, क्योंकि आपको पता होगा कि ड्राइविंग लाइसेंस बनने में भी काफ़ी सारा टाइम आपका लग जाएगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि टोटल नंबर ऑफ सीट या वैकेंसी कितनी आने वाली है। टोटल पोस्ट आपका 7547 रहने वाला है, जिसमें से मेल कैंडिडेट के लिए आपका 5056 पोस्ट रहेगा और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 2431 टोटल पोस्ट रहेगा। अगर आपके फॉर्म की फ़ी की बात करूं तो आपका जनरल, OBC और EWS के लिए ये 100 रुपीज़ रहेगा, और SC ST प्लस ऑल कैटेगरी फीमेल के लिए कोई भी चार्ज यहाँ आपसे नहीं लिया जाएगा। इस फॉर्म के लिए जो आपका एज लिमिट रहने वाला है वो आपका मिनिमम 18 ईयर्स रहेगा और मैक्सिमम आपका 25 ईयर्स इसका एज लिमिट रहने वाला है। OBC कैटेगरी के लिए 3 ईयर्स का रिलैक्सेशन दिया जाता है, और SC ST वालों को 5 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन दिया जाता है एज पर द गवर्नमेंट रूल्स। यहाँ पे क्वालिफिकेशन की अगर बात करूँ तो आपको 12th पास होना चाहिए, प्लस मेल कैंडिडेट्स के पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, जो कि एक लाइट मोटर व्हीकल लाइसेंस होता है। मीन्स सिंपल शब्दों में अगर मैं बताऊँ तो आपको एक 4-व्हीलर चलाने का जो लाइसेंस होता है वो जनरली आपके पास होनी चाहिए। जो भी मेल कैंडिडेट है, अगर उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होगा तो वो इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर पाएंगे, तो आपको इस बात को थोड़ा सीरियसली लेना है। फीमेल कैंडिडेट्स को लाइसेंस की कोई ज़रूरत नहीं है। तो चलिए अभी हम लोग जानेंगे कि कैटेगरी वाइज जो है वो ओवरऑल वैकेंसी, तो मैं हमने जान ली कि 7547 है, कैटेगरी वाइज को किस तरह से बांटा गया, अभी हम लोग वो नंबर ऑफ सीट्स जानेंगे। सो मेल कैंडिडेट के लिए अगर मैं जनरल कैटेगरी के मेल कैंडिडेट की बात करूं तो 3053 पोस्ट उनके लिए रहेगा, OBC वालों के लिए 287 रहेगा, EWS वालों के लिए 542 पोस्ट रहेंगे, SC कैटेगरी के लिए
872 पोस्ट रहेगा और एसटी कैटेगरी वालों को 302 रहेगा। ये आपका मेल कैंडिडेट के लिए टोटल सीट हो गया। फीमेल कैंडिडेट की बात करूँ तो जनरल कैटेगरी वालों के लिए 1502 सीट्स रहेंगे, ओबीसी वालों के लिए 142 रहेगा, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 268 रहेगा, एससी वालों के लिए 429 रहेगा, एसटी वालों के लिए 150 रहेगा। मीन्स कि ये आपका फीमेल कैंडिडेट का कैटेगरी वाइज सीट मैंने आपको बता दिया। अभी आप लोगों के मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये सब ठीक है कि हमारे पास लाइसेंस रहेगा, इतना इतना सीट है, बट सिलेक्शन की प्रोसेस क्या रहेगी। सिलेक्शन की जो प्रोसेस है वो आपका चार मेजर स्टेजेस पर डिपेंड रहेगा। फर्स्ट आपका CBT एग्ज़ाम यानी ऑनलाइन टेस्ट आपका लिया जाएगा, PET और PST यानी फिजिकल एग्ज़ाम आपका लिया जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, लास्टली आपका मेडिकल होगा, देन आपका ज्वाइनिंग लेटर आपको मिल जाएगा। हम लोग इसके अगर एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो आपका एग्ज़ाम जो होता है वो 90 मिनट्स का एग्ज़ाम होता है, जिसमें आपको 100 क्वेश्चंस रहते हैं 100 मार्क्स के, और इसमें निगेटिव मार्किंग भी होती है 1/4 यानी 0.25 मार्क्स आपका निगेटिव मार्किंग में आपका कट जाएगा अगर आप गलत क्वेश्चन कर मार्क करके आ जाते हो तो। अभी हम देखेंगे कि टॉपिक वाइज सब्जेक्ट वाइज कितने नंबर ऑफ़ क्वेश्चन रहते हैं, जैसे 100 टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चन है तो हर सब्जेक्ट से कितना कितना क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें GK GS की तो आपका 50 क्वेश्चंस रहेगा, रीजनिंग की बात करूँ तो आपका 25 क्वेश्चन रहेगा, मैथ्स के आपके 15 क्वेश्चन रहेंगे और कंप्यूटर का क्वेश्चन आपको 10 क्वेश्चन इसमें देखने को मिल जाएगा। ये आपका टोटल आपका 100 क्वेश्चन हो गया 100 नंबर का, 90 मिनट्स में आपको एग्ज़ाम क्लियर करना है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेट यानी कि एग्ज़ाम की डेट जो होगी वो आपको SSC ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि आपका ये एग्ज़ाम जो है नवंबर में स्टार्ट होगा और दिसंबर तक ये एग्ज़ाम चलने वाला है। मीन्स कि ऐसा कोई डेट अनाउंस नहीं किया गया कि प्रॉपर इस डेट से इस डेट को एग्ज़ाम होगा, बट ये बता दिया गया, क्लियर कर दिया गया कि आपको नवंबर से लेके दिसंबर तक चलेगा। तो आपको दिसंबर नहीं सोचना है, आप सोचो कि नवंबर में इसका पेपर होने वाला है, तो अच्छे से इस एग्ज़ाम के लिए अभी से आप प्रिपरेशन की आप शुरुआत कर दो ताकि आपका पेपर अच्छा जाए और आप जो इतना इंतज़ार कर रहे हो वो आपका सफल हो जाए। एग्ज़ाम की पैटर्न तो आप सभी समझ चुके होंगे। तो अभी मैं आपको जो PET एंड PST टेस्ट होती है फिजिकल टेस्ट, उसके बारे में आपको बता दूँ कि मेल कैंडिडेट के लिए आपको हाइट की जो रिक्वायरमेंट है वो 170 सेंटीमीटर रहेगा, चेस्ट आपका 81-85 सेंटीमीटर रहेगा, रनिंग आपको 1600 मीटर करना है 6 मिनट्स में, लॉन्ग जंप आपको करना है 14 फीट, मिनिमम आपको 14 फीट लॉन्ग जंप रहेगा, और हाई जंप की बात करूँ तो आपको 3 फीट 9 इंच का रहेगा। ये मेल कैंडिडेट के लिए था। फीमेल कैंडिडेट के लिए आपको हाइट 157 सेंटीमीटर होना चाहिए, रनिंग आपका 1600 मीटर रहेगा 8 मिनट्स में, आपको लॉन्ग जंप रहेगा 10 फीट का और हाई जंप 3 फीट का रहने वाला है। बहुत सारे लोगों के मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि आपका एग्ज़ाम कहाँ होगा, आपको फिजिकल देने कहाँ जाना होगा। आपका एग्ज़ाम जो होगा वो आपको अपने स्टेट में ही देना है। जब आप उस एग्ज़ाम को क्लियर कर लेते हो तो आपको फिजिकल जो होता है वो आपको दिल्ली जा कर के ही देना होगा, और इस जॉब की इनहैंड सैलरी जो है वो आपके स्टार्टिंग होती है 30K से, मतलब कि आपको फर्स्ट मंथ में 30,000 दिया जाता है एज अ सैलरी, बट इसमें अच्छी खासी इंक्रीमेंट होती है, बाद में आपको प्रमोशंस मिलते हैं, तो आपका एक सैलरी बहुत ही अच्छा आपको लेवल का देखने को मिलता है। ये जॉब भी एक बहुत अच्छा सेंट्रल गवर्नमेंट का बहुत ही अच्छा जॉब माना गया है। अगर इस मैंने जो आपको समझाया, अगर समझने में कोई भी दिक्कत आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में आके बताना, मैं वहाँ पे आपके रिप्लाई के थ्रू आपके डाउट को क्लियर करने की कोशिश करूँगी। और अगर ज़्यादा डिटेल में आप जानना चाहते हो इसके बारे में तो आप SSC के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आप नोटिफिकेशन को देख सकते हो।
सो अगर मेरी वीडियो आप सभी को अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लेना, ताकि जो भी मेरी सारी न्यू न्यू जॉब अपडेट की वीडियो सबसे पहले आप सभी तक जाए। सो मिलती हूँ आपसे फिर से किसी न्यू जॉब अपडेट के साथ, तब तक बने रहिएगा, स्टे ट्यून्स, बाय बाय, टेक केयर।